नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के नगर परिषद सिरमौर के केवटी रोड अंतर्गत लगभग 28 दुकानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये दुकानें ढहा दी गईं। आपको बता दें कि पूर्व में लगभग 50 दुकानों पर अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस थमाया गया था, जिस पर पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा कार्रवाई करते हुए 28 दुकानों को ढहा दिया गया। आपको बता दें कि सिरमौर नगर परिषद के क्योटी रोड पर SDM अंजलि द्विवेदी के नेतृत्व में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्मित 28 दुकानों सहित 5000 स्क्वायर फीट में हुए अतिक्रमण के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण क्षेत्र को खाली कराया गया। साथ ही साथ अन्य 50 दुकानों एवं अवैध कब्जाधारियों को नोटिस तामील कराया गया। हटाए गए अतिक्रमण क्षेत्र का कुल मूल्य अनुमानित 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक माना गया है। इस कार्रवाई में मुख्य रूप से तहसीलदार जितेंद्र तिवारी एवं थाना सिरमौर प्रभारी शैल यादव व अन्य आला अफसर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नगर परिषद की इस कार्रवाई के कारण जनमानस में घोर गुस्सा व्याप्त है और जिसका परिणाम आने वाले दिनों में प्रदर्शन के तौर पर देखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।